Hello everyone, welcome back to our channel EduEthics. So today we are going to start with our new chapter of class 7th English Literature, chapter 7, Oft in the Still Night. Now in this poem, our poet is Thomas More. Okay, so this poem mein jo hamare poet hai, jinhone is poem ko likha hai, unka naam hai Thomas More. Unka naam hai, yahan pe likh rahi hoon. ओके चलिए, इस पोयम में वो अपने पुराने दिनों की बात जो है वो याद कर रहे हैं. तो वो कहते हैं कि इससे पहले गहरी नींद जो है वो मेरे को आ जाए, इससे पहले मैं गहरी नींद में चला जाऊं, ठीक है, मुझे नींद आ जाए, ठीक है, उनको उनकी पुरानी यादें जो हैं, अपनी पुरानी यादें जो हैं, जो उनकी पुरानी फॉन्ड मेमोरीज हैं, ठीक है, यानी कि जो खुशी भरे पल हैं, जो हैप्पी मोमेंट्स, हैप्पी मेमोरीज हैं उनकी पुराने दिनों की, उनके पास डेज की, वो उनके दिमाग में रिफ्लेक्ट हो जा रही है बार बार, ठीक है, और वो अपने प्रेजेंट को उससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है. तो जब उनकी हैप्पीनेस से भरे पास डेज थे, ठीक है, वो उनके दिमाग में बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है ऑफ हिज बॉयहुड, यानी व्हेन ही वाज अ बॉय, व्हेन ही वाज यंग, तो उनके पुराने जो दिन थे, ठीक है, खुशी भरे जो दिन थे, वो उनके दिमाग में क्या हो रहे थे, बार बार रिफ्लेक्ट हो रहे थे उनकी नींद आने से पहले, ठीक है. तो पूरी पोयम जो है हम उसको पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. Oft in the stilly night, ere slumber's chain has bound me, fond memory brings the light of other days around me. Now, what do you mean by oft here? Oft means often. Okay, stilly means calm and quiet. Okay, slumber's chain has bound me. Iska matlab kya hai? इस फ्रेज का मतलब है बिफोर द स्लीप और यून से बिफोर द स्लीप कैप्चर्स हिम. ओके, सो बिफोर द स्लीप, बिफोर ही फॉलन अस्लीप. ओके, फॉन्ड मेमोरी, फॉन्ड मेमोरी का मतलब है हियर हैप्पी मोमेंट्स. हैप्पी मेमोरीज. ओके, ब्रिंग्स द लाइट का मतलब है रिफ्लेक्शन. ऑफ अदर डेज, इसका मतलब है पास्ट डेज. ओके, चलिए. ऑफ्ट इन द स्टिली नाइट, ऑफ्ट मतलब होता है ऑफन, इन द स्टिली नाइट कई बार, अक्सर स्टिली नाइट में, स्टिली नाइट यानी काम और क्वाइट नाइट में, उनको नींद आने से पहले क्या होता है, जो उनकी पुरानी यादें हैं, जो फॉन्ड मेमोरीज हैं, जो हैप्पी मेमोरीज हैं उनके पुराने दिनों की, उनके बॉयहुड ईयर्स की, वो उनके दिमाग में रिफ्लेक्ट होने लग जाती है, वो उनके दिमाग में आने लग जाती है, यानी कि वो सोचने लग जाते हैं. देखिए, रात को बिल्कुल शांति होती है, ठीक है, क्या होती है, रात को बिल्कुल शांति होती है, इसलिए आपको कुछ ना कुछ दिमाग में आता रहता है, जब तक आपको नींद नहीं आ जाती तब तक आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ठीक है. आपको अपने पुराने दिनों की बातें याद आ जाती हैं, यानी कि जब आप 4-5 साल के थे तब के कोई मज़ेदार किस्सा आपके दिमाग में आ जाता है, जब आपको नींद नहीं आ रही होती है, या फिर कोई सैड मोमेंट आपको याद आ जाता है, ठीक है, या फिर आज आपकी स्कूल में क्या क्या हुआ वो सब आपको याद आने लग जाता है, तो आप कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हो, ठीक है, रात में, क्योंकि रात बिल्कुल शांत होती है. क्या होती है, बिल्कुल शांत होती है. अगर आप किसी हसल एंड बसल वाली जगह में जाओगे, बहुत ही क्राउडी प्लेस में आप जाओगे, तो आपको दिमाग में वो क्राउड ही चलता रहेगा, ठीक है, और आप कुछ भी नहीं सोच पाओगे, ऑफ कोर्स. ओके, बट इन नाइट, रात में क्या होता है, रात में बिल्कुल शांति होती है, रात में बिल्कुल शांति होती है, इसलिए रात में हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं जब तक हमें नींद नहीं आ रही होती.
और यहाँ पे जो पोयट है वो क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पोयट जो है अपने प्रेजेंट यानी जब वो अब बूढ़े हो गए हैं तो अपने अपनी ओल्ड एज को वो अपनी ओल्ड एज को वो अपने पास्ट डेज से क्या करें कंपेयर करें, यानी कि जब वो क्या थे यंग थी तब की बातें वो अपनी प्रेजेंट से क्या कर रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं। और ठीक है तो सोने से पहले वो ये सब बातें जो है अपने बॉयहुड की बातें जो है कुछ सैड मोमेंट्स कुछ गुड मोमेंट्स उनके दिमाग में आए जा रही हैं। ठीक है चलिए इस पोएम को देखते हैं। तो ऑफन अक्सर क्या होता है स्टिली नाइट में, अक्सर मेरे को नींद आने से पहले फॉन्ड मेमोरीज जो है गुड मेमोरीज जो है वो मेरी माइंड में वो मेरी आइज में रिफ्लेक्ट होने लग जाती हैं। ठीक है मेरे पुराने दिनों की जो बातें हैं मेरे पुराने दिनों की जो फॉन मोमेंट्स है मेरे पुराने दिनों के जो गुड मोमेंट्स है वो मेरे दिमाग में रिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं। तो कुछ खुशी के पल द स्माइल्स द टीयर्स, तो कुछ खुशी के पल होते हैं उनमें से कुछ दुख के पल होते हैं ऑफ बॉयहुड ईयर्स। ओके द वर्ड्स ऑफ लव देन स्पोकन, ओके सो द वर्ड्स ऑफ लव देन स्पोकन विद द फैमिलीज। ओके सो हेयर द लव मेकिंग डेज, ओके विद फैमिलीज विद फ्रेंड्स, ओके सो द लव मेकिंग डेज हेयर आर स्पोकन। द आईज दैट चून का मतलब यहाँ पे है वो आईज जो पहले चमकती थी। देखिए अभी आप सब बच्चे हैं ठीक है, तो आपकी आईज जो है उनमें चमक होगी राइट, एक शाइननेस होगी एक ब्राइटनेस होगी। वेयर एज अगर हम बात करें किसी ओल्ड एज पर्सन की तो उसकी आईज जो है वो धुंधली होंगी राइट, आंखों में चमक नहीं होगी, एक मशक्कत सी मतलब दिखेगी जो उन्होंने पूरी जिंदगी में करी है। ठीक है एक एक्सपीरियंस छलकेगा उनकी आईज में। ठीक है सो द आईज दैट शोन यानी वो आंखें जो पहले क्या होती थी चमकती थी शाइन करती थी, ओके नाउ डिम्ड, डिम्ड मीन्स नाउ डल, तो वो आंखें जो पहले चमकती थी अब क्या हो गई हैं धुंधली हो गई हैं और चली गई हैं। ठीक है अब डिम हो गई हैं। और जो चीयरफुल हार्ट्स हैं द चीयरफुल हार्ट्स नाउ ब्रोकन दस इन द स्टिली नाइट, दस मीन्स ऑफन, ओके ऑफन और दस इन द स्टिली नाइट एयर स्लम्बर्स चेन हैज़ बाउंड मी सैड मेमोरी ब्रिंग्स द लाइट ऑफ अदर डेज अराउंड मी। ओके मीन्स जो चीयरफुल हार्ट्स हैं जो हैप्पी हार्ट्स है हैप्पी हार्ट्स यानी आप कह सकते हैं टेंडर हार्ट्स हैं, हैप्पी हार्ट्स जो है वो टूट चुके हैं दस इन द स्टिली नाइट यानी ऑफन इन द स्टिली नाइट बिफोर द स्लम्बर्स चेन हैज बाउंड मी यानी कि इससे पहले कि मुझे गहरी नींद आ जाए जो सैड मेमोरीज है। तो पहले यहाँ पे फॉन्ड मेमोरीज की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे सैड मेमोरीज यानी दुखी भरे पल जो है वो उनके दिमाग में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है ऑफ अदर डेज यानी पुराने दिनों के जो दुखी भरे दिन थे वो उनके दिमाग में क्या हो रहे हैं रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। When I remember all the friends so linked together, I have seen around me fall like leaves in wintry weather. I feel like one who treads alone, some banquet hall deserted, whose lights are fled, whose garlands dead and all but he departed. Thus in the stilly night, air slumber's chain has bound me. Sad memories bring the light of other days around me. तो पहले यहाँ पे इनको इनके खुशी भरे दिन जो है अपने पुराने दिनों के वो याद आ रहे थे, यहाँ पे वो अपने दुख भरे पलों की बात कर रही हैं जो उनके दिमाग में बार बार रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है तो जब अब वो कहते हैं जब मैं उन सबको याद करता हूँ जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ, किन के बारे में सोचता हूँ अपने फ्रेंड्स के बारे में, तो जब वो अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि कितने लिंक्ड थे वो सब उनके फ्रेंड्स जो हैं और वो और खुद पोएट जो है कितने लिंक्ड यानी कितने कनेक्टेड थे विद ईच अदर। ओके
सो दे आर सो मच कनेक्टेड विद ईच अदर, यानी वो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ क्या थे, बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी जब उनके बारे में, अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं। तो जाहिर सी बात है वो भी बूढ़े हो गए हैं, तो उनके फ्रेंड्स भी बूढ़े हो गए होंगे। ठीक है, आई हैव सीन अराउंड मी फॉल, तो मैंने उनको जाते हुए देखा, यानी जैसे अब वो एक विंट्री वेदर से कंपेयर कर रहे हैं उनको। ठीक है, लीव से कंपेयर कर रहे हैं इन विंट्री वेदर। जैसे देखिए सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, जो विंटर्स होता है, विंटर्स के टाइम पे क्या होता है, विंटर्स के टाइम पे जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो गिरने लग जाती हैं। ठीक है, झड़ने लग जाती हैं पेड़ में से, पेड़ में से गिरने लग जाती हैं। सेम एज जो उनके फ्रेंड्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, वो भी जा रहे हैं दुनिया को छोड़कर, यानी कि हिज फ्रेंड्स फ्रेंड्स पास्ड अवे। ओके, तो उनके फ्रेंड्स जो हैं वो मर चुके हैं, उन सबकी डेथ हो गई है, तो वो इस वर्ल्ड को छोड़ के चले गए हैं। ये सोच के जो पोएट है उनको बहुत दुख हो रहा है कि वो ही यहाँ पे अब अकेले रह गए हैं, सारे उनके जो दोस्त हैं वो मर चुके हैं, सिर्फ वही जो है वो घूमे जा रहे हैं। हु ट्वीट जरूर, ट्वीट का मतलब होता है हु वॉक, नहीं वो ही जो है अकेले क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और वो अपने आप को बहुत लोनली फील करते हैं, बहुत अलोन फील करते हैं अपने आप को। ठीक है, ही फील्स लाइक वन, मीन्स ही फील्स बहुत अकेलापन फील करते हैं। सी ही फील्स अलोन, यानी यहाँ पे वो अपने आप को बहुत अलोन फील कर रहे हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके सारे फ्रेंड्स जो हैं वो मर चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, और वही अकेले बचे हुए हैं जो कि मूव कर रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ट्रीड यानी वॉक कर रहे हैं, वॉक करते रहते हैं। वही वॉक्स अलोन, ही ट्रीड्स अलोन, सम बैंकेट हॉल डेजर्टेड हुज लाइट्स आर फ्लेड। तो जिस बैंकेट हॉल, क्या होता है बैंकेट हॉल, मतलब होता है एक हॉल जहाँ पर लैविश पार्टीज और फीस्ट होती है, अ हॉल फॉर सॉरी अ हॉल फॉर लैविश पार्टीज। ओके, तो देखिए अब दो पिक्चर्स उनके दिमाग में आ रही है, दो पिक्चर्स उनके दिमाग में आ रही है। एक पिक्चर है उनके ओल्ड डेज की, एक है प्रेजेंट की। ये है पास्ट डेज की, ये है प्रेजेंट डे। पास्ट डेज में क्या देख रहे हैं, वो पास्ट डेज में देख रहे हैं कि एक बैंकेट हॉल है, बैंकेट हॉल में सुंदर सुंदर गार्लेंड्स लगे हैं। ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर गार्लेंड्स लगे हैं, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल, लाइट्स जली हुई है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टीज कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो यंग है, अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहे हैं, पार्टीज में इंजॉयमेंट कर रहे हैं, फन कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो क्या देख रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि उसी बैंकेट हॉल में कोई भी नहीं है, सब चले गए, सब अकेले हैं, जो दोस्त उनके यहाँ पे उनके साथ मस्ती कर रहे हैं वो सब अब यहाँ पे नहीं है, वो सब अब यहाँ से चले गए हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, लाइट्स जो है सारी ऑफ है, यानी बिल्कुल डार्कनेस छाया हुआ है, सारे जो गार्डन्स हैं वो मुरझाए हुए हैं।
वो अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो अकेले यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। सब जो है वो जा चुके हैं, सब मर चुके हैं, तो ये दो नाइट जो हैं और वो बूढ़े हो चुके हैं, तो ये दो पिक्चर जो है उनके दिमाग में आ रही है, एक उनके खुशी भरे दिनों की, एक उनके दुख भरे दिन प्रेजेंट की। ओके, तो वो बैंक्वेट हॉल जिसकी लाइट जो है वो जा चुकी है, जिसके गार्लैंड्स जो है वो मुरझा चुके हैं, ठीक है, सब मर चुके हैं, सब जो है इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, बस वही एक बचे हुए हैं इस दुनिया में, ठीक है। अपने दो उनके सारे दोस्त जो है वो मर चुके हैं, वो अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, ठीक है। दस इन द स्टिली नाइट एयर स्लम्बर स्टेन हैज बाउंड मी, तो स्टिली नाइट यानी काम नाइट में मेरे को नींद आने से पहले जो सैड मेमोरीज हैं, जो दुखी भरे पल पल हैं, वो मेरे दिमाग में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ऑफ पास्ट डेज अराउंड मी, ठीक है। चलिए तो मैं आपको एक बार अच्छे से सारा मीनिंग, मतलब पूरी पोयम जो है उसको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। तो ऑफन इन द स्टिली नाइट, कई बार क्या होता है, कई बार जो स्टिली नाइट है, जो काम एंड नाइट, काम एंड क्वाइट नाइट है, ठीक है, मेरे को नींद आने से पहले, ठीक है, नींद आने से पहले यानी कि मुझे इससे पहले कि गहरी नींद आ जाए, उससे पहले मेरे को जो फॉन्ड मेमोरीज, जो गुड मेमोरीज हैं, वो मेरे पास डेज की, मेरे बॉयहुड डेज की, वो मेरे दिमाग में रिफ्लेक्ट होने लग जाती हैं। जो लव के वर्ड्स हैं वो मैं, द वर्ड्स ऑफ लव देन स्पोकन, ओके, द आईज दैट शोन, तो आईज जो हैं जो कि पहले शाइन करती हैं, अब वो डिम हो गई हैं। चीयरफुल हार्ट, जो हैप्पी हार्ट्स हैं, जो टेंडर हार्ट्स हैं, अब टूट चुके हैं, इससे पहले कि जो स्लम्बर एयर स्लम्बर स्टेन हैज हाथ बाउंड मी, यानी कि इससे पहले कि मुझे नींद आ जाए, मैं गहरी नींद में चला जाऊँ, जो सैड मेमोरीज हैं वो मेरे दिमाग में आ रही हैं, जो मेरे पास डेज की सैड मेमोरीज हैं, दुख भरे पल हैं, वो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, और जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ, तो जो अब वो किन के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे, अपने दोस्तों के बारे में सोच रहे हैं। तो जब मैं अपने दोस्तों के बारे में सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि हम कितने कनेक्टेड थे, लेकिन अब मेरे सारे दोस्त जो हैं वो मेरे को छोड़कर जा चुके हैं, ठीक है। जैसे विंट्री वेदर में ट्रीज से लीव्स जो है वो गिरने लग जाती हैं, उसी तरह जो मेरे दोस्त हैं वो इस दुनिया से, सब इस दुनिया से जा चुके हैं, और मैं अपने आप को बहुत लोनली, बहुत सोलो, बहुत अकेला फील करता हूँ, ठीक है, जो कि इधर से उधर सिर्फ घूमता रहता हूँ और बहुत अकेला मैं अपने आप को फील करता हूँ। तो बैंक्वेट हॉल जो है, बैंक्वेट हॉल यानी जहाँ पे लैविश पार्टीज होती हैं दोस्तों के साथ, ठीक है, तो उस वो जो बैंक्वेट हॉल है वहाँ की जो लाइट्स हैं वो जा चुकी हैं, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, जो गार्लैंड्स हैं वो मुरझाए हुए हैं, मुरझा चुके हैं, सब जो है वो मर चुके हैं, डिपार्टमेंट में यानी सबकी डेथ हो चुकी है, सब मर चुके हैं, ठीक है, सिर्फ मैं ही जो हूँ वो बचा हुआ हूँ, अपने मेरे सारे दोस्त जो हैं वो मर चुके हैं। तो मेरे को नींद आने से पहले इस मतलब स्टिली नाइट में, काम एंड क्वाइट नाइट में, मेरे को नींद आने से पहले जो सैड मेमोरी है मेरे पुराने दिनों की, वो मेरे दिमाग में रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, तो ये थी हमारी पोयम, हार्ड वर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, स्टिली का मतलब होता है क्वाइट, एयर मतलब होता है बिफोर, क्रीड्स बैंकेट हॉल मतलब होता है अ हाउस फॉर लविश पार्टीज, ठीक है, ये थ्री याद कर लीजिए। फॉन का मतलब बता देती हूँ, फॉन यानी होता है गुड, गुड डेज, ओके, फॉन डेज। स्लम्बर, डीप स्लीप, स्लम्बर मतलब होता है डीप स्लीप,
ओके, तो ये था वर्ड मीनिंग्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।